नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आईएएस एमपीपीएससी व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं। अभी तक तो आपने आसमान में या अन्य शाही शादियां देखी होंगी, लेकिन खरगोन जिले के नर्मदा किनारे बसे बलगाव में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां धार जिले के पटेल समाज के दूल्हे ने 20 किलोमीटर का फेर बचाकर नाव से नर्मदा पार कर बारात लेकर दुल्हन संग साथ फेरे लिए। करीब 20 साल बाद नाव से नर्मदा पार कर कोई बारात गांव में पहुंची थी। यही नहीं, नाव पर ही दूल्हा दुल्हन का गुब्बारों से सजा स्टेज भी सजाया गया। जिला मुख्यालय खरगोन से करीब 40 किलोमीटर दूर कसरावद विकासखंड के बलगाव में नर्मदा पार स्थित धार जिले के बलवाड़ा से नाव से बारात लेकर दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याहने पहुंचा। सजी धजी नाव में कपिल पटेल दूल्हे के लिबास और बाराती भी साफा बांधे नाव में सवार होकर पहुंचे। वहीं नर्मदा के तट पर बलगांव की दुल्हन दिव्या के परिजनों ने भी नाव से पहुंची बारात की जोरदार अगवानी की, जबकि नर्मदा तट बलगांव के मौनी बाबा आश्रम में फेरे और विवाह की रस्में पूरी की। वहीं गुब्बारों से सजी नाव से ही बाराती संग दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ विदा भी हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने बलगांव के नर्मदा तट पर विवाह की रस्में पूरी करने का निर्णय लिया था। बलवाड़ा से बलगांव की सड़क मार्ग की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, जबकि नदी मार्ग से ये केवल 1 किलोमीटर ही है, जिसके बाद दूल्हे के परिजनों ने सड़क मार्ग का 20 किलोमीटर के फेर से बचने के लिए नाव से बारात लेकर आने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि नर्मदा के उस पार के रिश्तेदारी की बारातें पुराने जमाने में हमेशा नाव से ही आती थी। गांव तक वाहनों का प्रचलन तेजी से बढ़ने से नावों से बारातें आना कम हो गई। गांव में नाव से बारात आने का ऐसा नजारा करीब 20 साल बाद देखने को मिला है। कई साल बाद ये देखकर लोगों को पुराने दिनों की यादें भी ताजा हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स और खास खबरों के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। YouTube में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।